कैसे भैया उठाए अकेले एक कुंटल का वजन? रात का 1 बज रहा है और हम लोग ना फाइनली इतना बड़ा गाड़ी है, देख सकते हैं आप लोग इवेंट वाला। ये सब सामान है, ट्रस है देख सकते हैं। और अभी देख सकते हैं हम लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं ना फुटपाथ पे, देख सकते हैं हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, अभी ना दिन का टाइम है, टाइम हो रहा है 10। और दोस्तों, हम लोग ना कल नाइट में आए रूम पे 8-9 बजे। और मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने जब आया रात को ना, तो मैंने आते ही मैं अपना कपड़ा धोया और नहा वहा फ्रेश हो गया और मैं ना मस्त सो गया था। और अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले और इधर मैं अभी देख सकते हैं कितना कपड़ा एक पसार क्या बोलते हैं ना कपड़ा धोकर यहाँ पे पसारे हैं लोग, देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को नहाए हुए 4-5 दिन हो गया था, काम से जाएगा फुर्सत नहीं मिलता है। और मैं अभी छत पे हूँ, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। तो दोस्तों, अभी ना हम लोगों को फिर से अभी निकलना है, हम लोग नहा धोवा के रेडी हो गए हैं, लेकिन खाना नहीं बनाया रूम पर, उधर ही खाना खाएंगे और काम पे नहीं जाना है। ऐसा सुनने में आया कि हम लोग जाएंगे, सामान रखा जाता है ना गोदाम को, एक गोदाम को खाली करना है, तो हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। सभी लोग फ्रेश हो रहे हैं और इधर में मेरे दोस्त के दोस्त, मेरे दोस्त के भैया, नाम क्या है आपका? इनका नाम है आकाश, ठीक है। एक आकाश इधर छत के ऊपर और ऊपर तो आकाश है ही, और इधर में सबसे बड़ा मॉल, इस मॉल का नाम है वेस्ट साइड मॉल, और नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। इधर में मंदिर, और दोस्तों इधर में भी ना एक मंदिर है आगे, दिखाऊंगा मैं कभी आप लोगों को। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग ना अभी देख सकते हैं हम लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं ना फुटपाथ पे, देख सकते हैं हम लोग अभी खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे। और इधर मेरे बड़े भैया खा रहे हैं, देखिए क्या खा रहे हैं भैया, क्या है? चावल, चावल है। और इधर मेरे दोस्त जी, ठीक है, और इधर में कैप्टन साहब तो इधर में है, और ये भैया ना तीसरा प्लेट खा रहे हैं ना भैया, एक प्लेट खा लेने के बाद तीसरा प्लेट तो बना हुआ था। और लेने के जाकर तीसरा प्लेट के उधर में कैप्टन साहब, वो भी उनका भी तीसरा प्लेट है ना कैप्टन साहब, और माँ ऑमलेट भी खा रहे हैं, तो करते रहे ना। दोस्तों, हम लोग ना गोदाम पे आ चुके हैं और हम लोगों को यहाँ पे आए हुए 2 घंटा से भी ज़्यादा हो गया, और हम लोग ना, और इधर में मेरा कंपनी का लोग जा रहा है दोस्तों। हाय, दोस्तों वो जो दोस्तों इधर में जो अभी ट्रैक्टर से गया लोग ना, वो मेरा काम था पहले, मैं जब तमिलनाडु में था ना वहीं काम करता था हेलो ब्लॉक का, और अभी मैं गोदाम में आया हूँ। और ये लोग दोस्तों इधर में ना ये लोग अभी स्पाइट पी रहे हैं, और उधर में खाना भी आ गया है, ये लोग अभी खाना भी खाएंगे। और ये सब सामान है, ट्रस है देख सकते हैं। और अभी हम लोग ना ये सभी इकट्ठा किए हैं और देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम लोगों को क्या करना है ना दोस्तों, अभी हम लोगों को करना है उधर में वो गाड़ी दिख रहा है ना, वो वाला गोदाम में जितना भी सामान है ना, उस सभी सामान को निकाल कर लाकर इसमें रखना है। और दोस्तों, ये राजा बाबू क्या पी रहे हैं? दोस्तों, अभी ना टाइम हो गया 4 और हम लोग ना इस गोदाम से सामान को खाली कर रहे हैं, रख रहे हैं हम लोग उस गोदाम में, देख सकते हैं आप लोग उधर में गोदाम, क्योंकि ये गोदाम खाली होगा, ये गोदाम खाली होगा ना हमेशा के लिए। और देखिए कैसे भैया उठाए अकेले 1 कुंटल का वजन,
कितना वजन होगा इसमें? 50 किलो का वजन है। इसमें से ले जा रहे हैं उस गोदाम में। दोस्तों अभी ना रात का टाइम है, टाइम हो रहा है 8। और दोस्तों हम लोग ना आज पूरा दिन गोदाम पे ही थे। आप लोग देख सकते हैं जितना भी सारा सामान है ना, हम लोग उस गोदाम में से, और आप लोग मैं दिन में दिखाया ना, उस गोदाम में से लाकर इसमें सब हम लोग सजा कर रखे हैं। देख सकते हैं पूरा दिन यहीं कर रहे थे हम लोग। और दोस्तों अभी ना टोटल हम लोग 10 आदमी थे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 आदमी है। 6 आदमी किधर गया? बाकी था 6 आदमी दूसरे जगह पर गया काम करता। और दोस्तों इस काम में ना कोई गारंटी नहीं है, काम कब आ जाएगा, है ना। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी तो गाड़ी लोड करना है, फिर दूसरी जगह जाना है, पिकअप करना है। सोने का टाइम नहीं है, इधर में दोस्तों दिखाते हैं ना, देखिए आप लोग कितना बड़ा गाड़ी है। देखिए दोस्तों आप लोग बहुत ही बड़ा गाड़ी है, और इसमें हम लोग करना है लोड। हम लोग 4 आदमी यहाँ पे बचे हैं, और देख सकते हैं यही है गोदाम, और एक गोदाम उधर में है, मैं आप लोगों को दिखाया इस दिन में। तो अभी ना हम लोग गाड़ी लोड करेंगे, और फुर्सत नहीं है हम लोग को, आज सोने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। और मेरे गांव के हैं, रिश्ते में तो मैं इनसे बड़ा हूँ, लेकिन उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मैं उम्र का इज्जत करता हूँ ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी लोड लोडिंग करेंगे गाड़ी को। हाँ, तो अभी हम लोग फटाफट गाड़ी लोड करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मैं ऐसा आदमी हूँ ना दोस्तों, काम पे काम, काम करने के बाद वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हम लोग ना दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं, काम करना पहले जरूरी है, ठीक है। तो मिलेंगे हम आप लोगों से आगे, ठीक है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात का 10 बज रहा है, और हम लोगों का मस्त खाना आ गया है, और हम लोग खाना खा रहे हैं अभी, अंडा बिरयानी और ऑमलेट है। देख सकते हैं हम लोग 4 आदमी हैं गोदाम में, और अभी गाड़ी कितना लोड हो गया है, अभी आधा भी लोड नहीं हुआ है ना। और ये लोग बोल भी नहीं पाते ना कैमरे में, और हम लोगों का ना गाड़ी अभी आधा भी लोड नहीं हुआ है। तो फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद लोड करेंगे, देखते हैं कब तक होता है, ठीक है, मिलेंगे आगे। दोस्तों अभी ना रात का टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है दिखाई दे थोड़ा, 1:02। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी ना रात का 1 बज रहा है, और हम लोग ना फाइनली इतना बड़ा गाड़ी है, देख सकते हैं आप लोग, इवेंट वाला काम है, हम तो मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, पूरा हम लोग पूरा एक गाड़ी लोड कर दिए हैं। और रात का मौसम है कुछ इस प्रकार का है, देखिए। और दोस्तों इधर में देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ना पूरी गाड़ी लोड कर दिए हैं, ये बड़ा वाला ट्रक, और ये भी गोदाम है, और उधर भी गोदाम है, कुछ सामान बाकी है इसमें और डालना है, वो हम लोग लाने जा रहे हैं उस गोदाम में से। और दोस्तों मैं ना अभी मुझे अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि और गाड़ी लोड करना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर टाइम मिलेगा अभी तो मैं एडिटिंग करके अपलोड करूँगा, कल 7 बजे पब्लिक करूँगा, अगर टाइम मिला तो एडिटिंग कर पाऊँगा तो डालूँगा, नहीं तो परसों आएगी वीडियो, ठीक है। तो इस ब्लॉग में यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और खूबसूरत वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।